हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में मैं आपके साथ बच्चों का बेहद फेवरेट जिम जैम बिस्किट की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही अमेजिंग है और बहुत ही कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बन के तैयार हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा सुपर टेस्टी लगता है खाने में। तो फिर चलिए स्टार्ट करते हैं इस जिम जैम की रेसिपी को बनाना। आपने अभी तक अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इस जिम जैम बिस्किट की रेसिपी को बनाना। इस बिस्किट को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने लिया है शुगर, तो ये मैंने 100 ग्राम के करीब शुगर ले लिया है। अभी शुगर में हम ऐड करेंगे बटर, मतलब फ़ैट हमें ऐड करना है। तो इसमें मैं 80 ग्राम के करीब बटर ऐड करूंगी, तो फटाफट से 80 ग्राम के करीब बटर ऐड कर लीजिए। कुकीज़ या बिस्किट बनाते समय मेज़रमेंट का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, तो 80 ग्राम के करीब इसमें बटर ऐड कर लीजिए। अब बटर और शुगर को हमें अच्छे से मिक्स करना है। फ्लेवर के लिए इसमें हम एसेंस ऐड कर देंगे, तो मैं वेनिला फ्लेवर दे रही हूँ। आप चाहें तो कोई और भी फ्लेवर ऐड कर सकते हैं। तो 3 से 4 ड्रॉप के करीब वेनिला एसेंस ऐड कीजिए। शुगर, बटर और एसेंस को अच्छे से मिक्स कीजिए। तब तक हमें इसे मिक्स करना है जब तक कि हमारा शुगर जो है बटर के साथ अच्छे से मिक्स नहीं हो जाता, हमारा जो शुगर और बटर का जो मिक्सचर है वो फ्लफ़ी नहीं हो जाता। मतलब तब तक फेंटना है जब तक हमारा शुगर और बटर आपस में अच्छे से मिक्स ना हो जाए। तो बस 5 से 7 मिनट लगेंगे। इस तरह से आप स्पैटुला की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कीजिए और 5 से 7 मिनट बाद देखेंगे आपकी शुगर और बटर जो है वो आपस में अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और हमारा जो शुगर और बटर का पेस्ट है या फिर बैटर है वो बहुत ही अच्छे से फ्लफी हो चुका है। बस आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम इसमें ऐड करते हैं अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स। तो हमने 100 ग्राम के करीब शुगर लिया था, तो इसमें हम 150 ग्राम के करीब मैदा ऐड करेंगे। तो ये मैदा है जिसे हमने इसमें ऐड कर दिया है। आप चाहें तो मैदे की जगह पे गेहूं का आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से जो रिज़ल्ट आता है वो गेहूं के आटे से नहीं आता। तो इसमें मैदा ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/4 टीस्पून के करीब इसमें बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। अब सारे वेट इन्ग्रीडियंट्स को और ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मतलब फैट के साथ हमें ड्राई इन्ग्रीडियंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। अब इसे मिक्स करने के लिए, इसका अच्छा सा डो बनाने के लिए हम रूम टेम्परेचर का दूध इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे रूम टेम्परेचर का दूध लीजिए और धीरे धीरे इसका एक अच्छा सा डो बना करके तैयार कर लीजिए। तो चलिए धीरे धीरे इसमें दूध ऐड करते जाएंगे और इसका एक डो तैयार करेंगे। अब हम यहाँ पर अपने हाथों का यूज़ करेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो बना करके हम तैयार करेंगे। तो लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे और हमारा जो डो है वो बन करके तैयार हो जाएगा। तो कुछ इसी तरीके से आप भी हल्का हल्का दूध डालते जाइए, मतलब आप धीरे धीरे इसमें दूध ऐड करते जाइए और इसका एक अच्छा सॉफ्ट सा डो बना करके हमें तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, इस तरीके से सॉफ्ट डो बना करके तैयार कर लीजिए। अब इस डो को हमें 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रेस्ट करने के लिए छोड़ देना है, ताकि हमारा डो जो है वो अच्छे से सेट हो जाए। तो चलिए इसे हम 30 मिनट्स के रेस्ट के बाद मिलते हैं आपसे। तो ये देखिए, 30 मिनट का रेस्ट कर लिया हमारे डो ने। हमारा डो जो है वो अच्छे से सेट हो चुका है। चलिए इसे हम अब 2 से 3 हिस्से में डिवाइड कर लेते हैं। तो बस 2 से 3 हिस्से में इसे बांट लीजिए इस तरीके से, और इसको हम चपाती की तरह हम फैलाएंगे। तो बस बेलन की हेल्प से इसको हम अपने इस तरीके से बेकिंग पेपर के ऊपर हल्का सा मैदा डस्ट कीजिए और उसके बाद अपना एक बॉल लेकर के और उसे अच्छे से पतला बेलना है। हमें बहुत पतला नहीं बेलना है, हल्का सा थिक रखना है, ताकि हम उसकी अच्छे से कुकीज़ बना करके तैयार कर सके, बिस्किट बना के तैयार कर सकते। तो इस तरीके से एक डो ले लेंगे, उसे बेलन की हेल्प से अच्छे से हम बेल लेंगे। तो बस इस तरीके से बेलिए, ये बहुत ही आसानी से बेल जाते हैं। और जब आपका डो जो है वो अच्छे से बेल जाए, अब इस स्टेज पे हमें लेना है एक कुकी कटर, और कुकी कटर से हम इसके शेप कट कर लेंगे। तो हमें जिम जैम बिस्किट बनाना है तो कोई भी इस तरीके का कुकी कटर ले लीजिए जो फ्लावर के शेप में हो, क्योंकि जिम जैम का शेप जो होता है वो फ्लावर के साइज़ का होता है। जिम जैम बिस्किट जो होते हैं उसमें 2 लेयर होते हैं, बीच में क्रीम होता है और ऊपर और नीचे के 2 अलग अलग लेयर होते हैं। तो जो नीचे के लेयर्स होते हैं वो उसकी जो कुकीज़ होती है वो कुछ इस शेप की होती है। तो ये देखिए, इस तरीके से कुकी कटर की हेल्प से आप अपने कुकीज़ को कट कर लीजिए। तो ये देखिए, मैंने कुकीज़ को कट कर लिया है
तो अब इसी तरीके से हम अपना दूसरा डो लेंगे और उसे भी हम अच्छे से पतला बेल लेंगे। बस उसी थिकनेस का रखना है जितना हमने पहला वाला बेला था, मतलब कि पहले वाले जो कुकीज़ बनाए सेम थिकनेस का रखना है। ऊपर की कुकीज़ जो है उसके बीच में होल रहता है, आपने देखा होगा जिम जैम बिस्किट के ऊपर वाले लेयर में बीच में होल बना हुआ रहता है, तो बस उसी सेम कुकीज़ कटर से सेम साइज़ का हम कुकीज़ कट करेंगे। तो बस इस तरीके से सेम साइज़ की कुकीज़ की कट कर लीजिए और बीच में इस तरीके से हम होल बना लेंगे। आपने देखा होगा जिम जैम बिस्किट के बीच में इस तरीके से होल बनी होती है और उसमें जैम भरे हुए होते हैं, तो बस कुछ इसी तरीके से हम उसका दूसरा लेयर भी बना करके तैयार कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी तरीके से हम अपने सारी कुकीज़ जो है वो बना करके तैयार कर लेंगे। तो बस ये देखिए हमने सारी कुकीज़ बना करके तैयार कर ली है, ऊपर वाली कुकीज़ भी बना के तैयार कर ली है और उसके नीचे वाली कुकीज़ भी बना के तैयार कर ली है। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं और इसे हम बेक करते हैं। तो 180 डिग्री पे प्रीहीटेड ओवन के अंदर इसे हम रखेंगे 20 से 22 मिनट के लिए। 20 से 22 मिनट के लिए मतलब 10 मिनट्स के प्रीहीटेड ओवन के अंदर इसे 180 डिग्री पे 20 से 22 मिनट तक हमें बेक करना है। तो अपने ट्रे में इसे अरेंज कर लीजिए और इस तरीके से 20 से 22 मिनट के लिए कुकीज़ को आप अपने ओवन के अंदर ट्रांसफ़र कर दीजिए। चलिए मिलते हैं 20 से 22 मिनट के बाद जब हमारी कुकीज़ जो है वो बन के तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए हमारी कुकीज़ 20 से 22 मिनट के बाद बिल्कुल फ्लैट और अच्छे से बन के तैयार हो चुकी है। तो बस कुछ इसी तरीके की कुकीज़ चाहिए जिम जैम बिस्किट बनाने के लिए। चलिए इसे अब हम पूरी तरीके से ठंडा करेंगे। तो इसे हम निकालेंगे अपने कुकिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर और अपनी कुकीज़ को बाहर निकालेंगे, उसे अच्छे से कूल डाउन करेंगे, बिल्कुल अच्छे से हमें इसे ठंडा कर लेना है। चलिए अब हम जिम जैम बिस्किट बना करके तैयार करते हैं। तो ये देखिए ये उसका ऊपर वाला हिस्सा हुआ जो अच्छे से बेक हो चुका है और ये वाला उसका नीचे वाला हिस्सा हुआ, ये भी देखिए बिल्कुल ही परफेक्ट तरीके से बेक हो चुका है। चलिए अब हम कुकीज़ बना करके तैयार करते हैं, जिम जैम बिस्किट बना करके तैयार करते हैं। तो बस अब हम बीच के क्रीम का लेयर बनाएंगे। क्रीम का लेयर मैंने बटर और शुगर से बनाया है, मतलब शुगर और बटर को मिक्स करके क्रीम का लेयर बना करके तैयार करेंगे। उसे एक पाइपिंग बैग के अंदर फिल करेंगे और एक दूसरे पाइपिंग बैग के अंदर हम जैम को फिल करके रखेंगे ताकि हमें इसकी फिलिंग करने में आसानी हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम जिम जैम बिस्किट बना करके तैयार करते हैं। तो नीचे वाले लेयर पे हम लगाएंगे इस तरीके से, क्रीम लगा दीजिए जो हमने क्रीम बना के तैयार किया उसे नीचे वाले लेयर पे लगा करके रखेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से नीचे वाले लेयर पे हम क्रीम लगाएंगे, इसके ऊपर में हम होल वाले लेयर को लगाएंगे और बीच वाले हिस्से में हम जैम लगाएंगे। तो बस इस तरीके से ही आप सारे कुकीज़ या सारे बिस्किट बना करके तैयार कर लीजिए। तो बस ये सेकेंड लेयर है जिसको इसके ऊपर रखेंगे और बस बीच वाले हिस्से में जो हमने होल बनाया था उसमें हम इस तरीके से जैम भर लेंगे। ये नॉर्मल मिक्स फ्रूट जैम है जिसे हमें इसके बीच में भरना है। तो बस ये देखिए इस तरीके से आप जिम जैम बिस्किट घर पे बना के तैयार करते हैं और ये खाने में सुपर टेस्टी सुपर यमी लगता है। तो बस कुछ इसी तरीके से आप अपने सारे जिम जैम बिस्किट घर पे बना के तैयार कर सकते हैं और बस बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बच्चों को ये बेहद टेस्टी लगने वाला है। तो ये देखिए मैंने सारे जिम जैम बिस्किट बना के तैयार कर लिए और कुछ इसी तरीके से आप भी घर पे बहुत ही आसान तरीके से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ जिम जैम बिस्किट बना के तैयार कर सकते हैं और अपने बच्चों को इसे खिला सकते हैं। आई होप आपको मेरे जिम जैम बिस्किट की रेसिपी अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर कर दीजिए। इस तरह के नए नए वीडियो के साथ मैं फिर आती रहूँगी, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।